हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत समिति में जीते भाजपा प्रत्याशियों को उपखंड अधिकारी ने शपथ दिला, प्रमाण पत्र सौंपे। गुरुवार होगा प्रधान का चुनाव। आमेट पंचायती राज चुनाव के तहत पंचायत समिति के वार्ड में हुए मतदान के बाद जीतने वाले सभी 12 भाजपा प्रत्याशियों को उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए अपने जीत के प्रमाण पत्र सौंप कर सभी को बधाई दी। विधायक प्रवक्ता माधव सिंह पवार ने बताया कि पंचायत समिति के संपन्न हुए वार्ड सदस्यों के चुनाव में भाजपा द्वारा 12 स्थानों पर अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने में सफल रही। इसी के चलते आज होने वाले प्रधान का चुनाव भी एक तरफा होगा एवं भाजपा का ही प्रत्याशी प्रधान बनेगा। इससे पूर्व बुधवार को उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने जीते हुए सभी 12 प्रत्याशी, जिनमें वार्ड 1 से डालूराम भील, 2 से सज्जन सिंह सोलंकी, 3 से अन्नची गुजर, 4 से हीराबाई गुजर, 5 से पारस बेरवा, 6 से चंद्रदीप भील, 8 से गणेश लाल कुमावत, 10 से सोनिया राठौर, 11 से कैलाश माली, 13 गोपीलाल लोहार, 14 से नारायण लाल सालवी, 12 से नारायण कुमावत को उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा आज होने वाले प्रधान चुनाव की अधिसूचना जारी की। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष सुनील गांधी, विधायक प्रवक्ता माधव सिंह पवार, उप सरपंच शिव चरण सिंह, दिनेश वैष्णव, हजारीलाल गुजर, गजेंद्र सिंह अमरतिया, वीरेंद्र सिंह चुंडावत, फतेह सिंह, नरेश आगरिया सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।